इसमें कोई शक नहीं है। हमारे बाबा बनवारी दास की पालने गांव पे, बाबा जयराम दास की भी कृपा है, दोनों की पालने गांव पे बहुत कृपा है। बाबा बनवारी दास की कृपा से हमारे गांव में पहले डॉक्टर अतिर सिंह की बिटिया वो भी आईएएस में सिलेक्शन हुआ। आज भाई सूरज सिंह की पुत्र वधु का भी आईएएस में सिलेक्शन हुआ। और पालड़ी गांव से बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर, अच्छी अच्छी पोस्टों पे मैनेजर वगैरह बहुत हमारे गांव से यहां से और आर्मी में भी, तो काफी हमारे गांव पे बाबा की कृपा रही है। आज जैसे बता रहे थे ओबीसी में एडमिशन हुआ उसका मीडिया का, तो ये गांव के लिए एक प्रशंसा की, खुशी की बात। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब इस तरह से बच्चे मेहनत करके आगे निकलते हैं तो जो नौजवान बच्चे युवा जो आज मेहनत कर रहे हैं उनकी भी उम्मीद है कि कोई आईएएस बने, कोई एचएएस बने, कोई आईपीएस बने, तो उन बच्चों को भी प्रेरणा मिलती। और जब मैं टीवी में ऐड देखता हूँ, केजरीवाल आजकल ऐड करता है कि भाई स्कूलों की हालत हमने बहुत अच्छी कर दी, आप भैया कोई मॉनिटर इनका बनो, तो भाई हमारे गांव में तो मॉनिटर बनने के लिए भी किरण भी हो गई। कोई भी बच्चा जो आईएएस की कोचिंग ले रहा है, अगर कोई गाइडलाइन उसको चाहिए तो बात कर सकते हैं। तो ये गांव के लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारे बाबा के अंदर बाबा परमारी दास की ऐसी कृपा कि जो सच्चे मन से यहाँ पे आए और जो उसने इच्छा जाहिर की और वो इच्छा उसकी पूरी हुई। अभी अनिल कौशिक जी भी देख रहे होंगे कि ऊपर से तो बहुत पक्का बना रखा है, लेकिन इसके अंदर तो मन है जो कि मिट्टी के। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जहां से बाबा बनवारी दास आए वहां से मिट्टी लेकर के आए थे, थोड़ी सी उससे ये मठ बनाए गए। और हमारे गांव के अंदर जब भी कोई किसी का काम होता है तो बाबा से अहसास दिखाते हैं कि बाबा मेरा ये काम कर देना, मैं तेरा मठ लेकर के जाऊंगा। तो यहाँ पे हरेक का कोई ना कोई जो भी काम होता है वो बोलते हैं और बाबा के मंड लिखते रहते हैं। तो ये बाबा का मंड हम सब की इच्छा थी कि ये मंड ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि भावनाएं हमारी जुड़ी हुई। मैं अभी थोड़ी देर पहले इसको बता रहा था, कैलाश पटेल जी को शनिदेव सिंगापुर में मैं जाता हूँ, बहुत से लोग गए होंगे वहां पे, एक शनिदेव महाराज के रूप में ब्लैक काला पत्थर वहां पे खड़ा है जिसके ऊपर कोई छत नहीं, वहां पे उसी की मानता है, उसी की पूजा है। तो हमारे यहाँ भी बाबा के मठ की पूजा है। और मेरी एक प्रार्थना भी है, विश्वनाथ कमेटी के सारे सदस्य यहाँ पे बैठे हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पीपल खड़ा है इससे इस मठ को या साइड में कुछ नुकसान हो सकता है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इस पीपल को इस पीपल को ये पीपल भाई समझ के इस बिल्डिंग की कोई नुकसान नहीं करेगा। इस पीपल को आप पूजा बाबा बनवारी दास की तरह इसको पूजा के लिए ही रखना, इस पीपल को कोई भी मत छेड़, ये मेरी प्रार्थना है। क्योंकि हम सब की आशा है, पीछे भी जैसे कि हम सब साथियों ने मिलकर बहुत जैसे प्रोग्रेस की है, और जैसे मेरे को पंडित जी कह रहे थे गाँव की फिर नहीं थे, अपने गांव की सारी फेरियों के लिए ग्रांट पास हो चुकी और सारी की सारी फेरियां बहुत बड़ी आशे बनेगी, ग्रांट मंजूर हो गई है। गांव व्यक्ति जो अपनी फेरनी हो सारी की, और वो फेरनी भी बनेगी। और आपको एक बात बताऊं, फेरनी फेरनी नहीं, नैना चौटाला हमारी यहाँ से विधायक और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, और डिप्टी सीएम की माँ जहां से विधायक हो तो वही माँ तो कहेगी, चाहे डिप्टी सीएम और सीएम में बात तो माननी पड़ेगी। तो इसलिए कोई भी काम है जो पालड़ी गांव से जुड़ा हुआ है वो काम जरूर होगा। जैसे खाद की बात कह रहा था, मेरी खुद बात हुई थी कल ही दुष्यंत जी से, फोन पे बात हुई, डॉक्टर अजय सिंह से बात हुई, आज मेरे ख्याल से खाद का ट्रक पहुंच भी गया होगा। उन्होंने कहा कि दो दिन के अंदर आपकी खाद की समस्या को खत्म कर देंगे, आपको खाद की दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि आम आदमी के बारे में हम सोचते हैं तो आम आदमी की जो समस्या है किसान की समस्या, वो सबकी समस्या है। और मैं पालड़ी गांव में
पहुंचने पर केरल के मम्मी और पापा का दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ऐसे संस्कार अपनी बिटिया को दिए कि आज हम भी गौरवान्वित हो रहे हैं, हमारे को भी खुशी हो रही, क्योंकि बच्चे को पढ़ने का और ये मेहनत का जज्बा या तो माँ पैदा करती है, बाप पैदा करता है, और इन लोगों ने बहुत इसके अंदर इनके माँ बाप का भी यहाँ दिल से अभिनंदन करता है, इनका स्वागत करता है। अंत में क्योंकि मैं कैलाश पांडे जी को कह रहा था भाई जो सरकार के मंत्री होते हैं कोई बाहर से मंत्री आ जाए तो उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, तो जब भी एरियो साहब आएंगे मैं तो कैलाश से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर यहाँ करवा लेते और ये किरण बेटी घर पे मिलेगी वहां पे उनसे इनको आशीर्वाद दिला देना, हम भी सब साथी वहीं पे पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि हमें कह रहे हैं कि 2:30 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे, 4 भी बजे आएंगे, 4:30 भी बज जाए, 5 भी बज जाए, मैं वही कह रहा हूँ, मेरे को पता है ना, हम जल्दी भी करते करते 6 घंटे भी घूमते हैं, अब ये नहीं पता कि कितने दूर में समझी है या भीतर है, हमें ये भी नहीं पता किसके पास होना है या तो वो बताए, पटक जी तो बता के गया था कि 1 घंटे में आएंगे लेकिन पता नहीं कितना समय लगे, कोई बात नहीं, जब आएंगे उसके बाद में या तो फिर इकट्ठा करना अकेला जी बता देंगे, जो आदेश देंगे।